विद्यार्थियों, काशी एजुकेशन पार्षद की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करना कि हम त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, माना कि एम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है वो एन वी कक्षा में वी वन वेग से चक्कर लगा रहा है, ऐसा अपन मान लेते हैं। क्योंकि तो हमें इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या ज्ञात करनी है, अपन मान लेते हैं माना एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है जो एन वी कक्षा में वी वन वी एन वेग से चक्कर लगा रहा है। तो अपन जानते हैं बोर के अनुसार जो उसका संवेग होता है, संवेग एम वी आर बराबर वही प्राप्त क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई, ये प्राप्त होता है बोर के अनुसार। तो यहाँ बी हो जाएगा बी एन बाई आर हो जाएगा आर एन, बी एन तो हो जाएगा एन वी कक्षा में वेग और आर एन हो जाएगा एन वी कक्षा में त्रिज्या। हिसाब से एन वही मुक्त क्वांटम संख्या है, यहाँ पे एन हो जाएगी कक्षाओं की संख्या और यह एच प्लैंक के नियतांक है। तो संबंध हो गया ऐसे, माना कि इसको नंबर एक समीकरण डाल देते हैं हम। यहाँ से अगर वी एन का मान निकालना चाहिए, यहाँ से वी एन का मान तो कितना आ जाएगा, देखो ये एन एच है, एन एच और ये एम इंटू आर एन और टू पाई, ठीक है भाई। हमने यहाँ से वी एन का मान निकाल लिया, माना कि नंबर दो समीकरण है, ठीक है, ये वेग आ गया। अब देखिए अपन जानते हैं बोर ने बताया था अपने फर्स्ट अभिग्रहित के अंदर, फर्स्ट परिकल्पना के अंदर, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो उसे चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय जो बल लगता है वह अभिकेंद्रीय बल विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। अपन कह सकते हैं कि वहां पे जो अभी जो केंद्रीय जो बल है उसका मान विद्युतीय बल के बराबर प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय जो बल है, यानी जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय जो बल है उसका मान या वह बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले विद्युतीय बल से प्राप्त होता है, अर्थात इनका मान दोनों का बराबर हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा विद्युतीय बल, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम दोनों का मान रख देंगे, अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय जो बल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये हो जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अपन के का मान रख लेंगे यहाँ पे, जो कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के का मान रख दो तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भाई, ठीक है। अब यहाँ एक आर से कार काट दें, यहाँ पे हम एक आर से कार यहाँ काट सकते हैं, तो ये देखो आ जाएगा इधर आगे एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो अगर हम एन वी कक्षा की बात करें, एन वी कक्षा के लिए अगर हम इसकी बात करें एन वी कक्षा के लिए, तो भाई एम टाइम रहेगा भी हो जाएगा वी एन स्क्वायर, ठीक है भाई, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा आर एन। मतलब कि नंबर दो समीकरण डाल दो, फिर तीन डाल दो इसको, ये एक ये दो ये तीन। अब यहाँ देखिए वो हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करना है। हम क्या करेंगे, समीकरण दो से जो वीएन का जो मान है वो यहां रख दो, अतः है समीकरण दो से वीएन क्या है, वेग है एन वी कक्षा में, वीएन का मान समीकरण तीन में रखने पर, दो से वीएन का मान जो तीन है रख दो रखने पर, तो देखो अपन ये जब मान यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा एम इंटू, तो ये मान वी एन का इसका वर्ग हो रहा है, तो यह आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम
स्क्वायर आर एन स्क्वायर और तो कवर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बराबर ये सेम रहेगा जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर एन। मैं देखो एम से एम कट जाएगा यहाँ पे तो जब यहाँ से एम कट गया इधर तो देखो एम से एम कट जाएगा यहाँ पर बचेगा इधर एन स्क्वायर यहाँ बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ठीक है भाई। तो नीचे एक एम कट गया नीचे एम बच गया यहाँ बटे में इधर एम बच गया एम इंटू आर एन स्क्वायर इंटू और बाई स्क्वायर इस पक्ष में ये बच गया। देखो इस पक्ष में पहले से इधर है ये इधर यहाँ है जेड स्क्वायर अपॉन और पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इधर आर एन है भाई। देखो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ठीक है भाई एक आर एन से एक आर एन कट जाएगा तो यहाँ इधर बच गया ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन यहाँ बच गया एम एक बच गया आर एन और एक बच गया पाई इधर यहाँ बच गया जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ बच गया केवल एप्सिलॉन नॉट बच गया भाई। अगर हमें आर एन का मान चाहिए तो क्या होगा इनको आपस में वज्रगुणा कर लेगा आपस में तो ये हो जाएगा एम आर एन पाई जेड स्क्वायर बराबर एच किस गुणा कर देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हम भाई आर एन का मान चाहिए यहाँ से आर एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और अपॉन एम पाई जेड स्क्वायर ये भाई हम इसका मान है। अगर देख इसमें क्या होगा भाई यह हमें मान प्राप्त हो गया आर एन का तो यही इलेक्ट्रॉन की कक्षीय जो त्रिज्या है उसका व्यंजक है। अगर हम लोग इसको आगे प्राप्त करना चाहें अगर हम इसको आगे और इस मान को प्राप्त करना चाहें तो हम इसको आगे और भी प्राप्त कर सकते हैं इसको आगे जैसे यहां तो हमने इसका मान प्राप्त कर लिया अगर हम आगे इसको प्राप्त करना चाहें तो किस तरह इसको प्राप्त कर सकते हैं आगे इसका व्यंजक अब अपन ने ये जो व्यंजक प्राप्त किया है ये प्राप्त हो गया अपने पास ये आ गया आर एन बराबर आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड स्क्वायर ठीक है भाई। अब देखो इसमें यहाँ पे ये जो मान है जैसे यहाँ पे चूंकि आर एन वन यानी जो प्रथम कक्षा है यानी आर वन बराबर होता है जैसे यहाँ जो मान है जैसे यहाँ एच स्क्वायर है एप्सिलॉन नॉट है एम है पाई और ई स्क्वायर ठीक है भाई यानी जेड ई स्क्वायर ये जो मान है ये मान आर वन के बराबर होता है इसे हम बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या भी कहते हैं इसका यहाँ पे सिंबल प्रतीक सज्जन ए नोट भी होता है। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो मान है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है भाई मतलब यहाँ पे हम एच का मान रख देंगे एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मान रख देंगे यहाँ पे एम द्रव्यमान क्रम का इसका मान रख देंगे पाई नेतांक है जेड है जेड है परमाणु क्रमांक हम हाइड्रोजन की बात करें इसका मान एक हो जाएगा जेड के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन जानते हैं जब सबका मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो यहाँ जो आर वन का जो मान है आर वन का वो इतना प्राप्त होता है 0.529 तो यहाँ से जो आर एन का जो मान है वो एन स्क्वायर इंटू आर वन के बराबर भी हो सकता है यहाँ आर वन का मान इतना प्राप्त होगा आपको ठीक है भाई। देखो यहाँ पर अगर हम समझ देखें त्रिज्या में देखो जेड में यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो आर एन है अगर आर एन की बात करें तो ये देखो आर एन में और जेड में ये समन प्राप्त आपको होता है ठीक है ये त्रिज्या है और जेड यहाँ परमाणु क्रमांक है तो ये समय समन मिलता है आर एन में और जेड में क्योंकि आर एन में अगर एन अगर हम एन की बात करें तो आर एन यहाँ पे समान पद हो जाएगा एन स्क्वायर के एन यहाँ कक्षाओं की संख्या है ठीक है भाई ये त्रिज्या का समन जेड के साथ में इस तरह प्राप्त होगा और एन के साथ में इस तरह से प्राप्त होगा। अगर हम ग्राफ बनाएं ग्राफ ये इस तरह बन जाएगा आर एन में और जेड में कोई ऐसे बनेगा इस तरह का
अगर हम इसमें बात करें तो आरएन के अंदर यानी जो आरएन है जो त्रिज्या है एन भी जो त्रिज्या कक्षा की आरएन और जो एन जो है स्क्वायर में चतुर्भुज में इस तरह प्राप्त होगा। ये समय हमें जो है ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो ये हमें त्रिज्या का मान था 0.522 एंगस्ट्रम। हम इस तरह से इसका मान जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये हम संबंध में प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में इसकी इलेक्ट्रॉन की चाल के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।